कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्शन में कंट्रासेप्शन में मैं आपको दो तरह की ड्रग्स बताता हूँ, ठीक है। एक है प्रोजेस्टीन्स, जिनको ठीक है, एक को क्या बोलते हैं हम, प्रोजेस्टीन्स, ठीक है, प्रोजेस्टीन्स। और दूसरा जो ग्रुप है एंटी प्रोजेस्टीन्स, ठीक है, एंटी प्रोजेस्टीन्स। अब प्रोजेस्टीन्स में क्या क्या आता है हमारे पास, मिलना, ठीक है, तो निमोनिक है मिलना, ठीक है, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन, इटोनोजेस्ट्रिल, लिवोनोर गेस्ट्रिल, और एन से नॉर एथिंड्रोन, और एम से ही क्या आता है हमारी एक और ड्रग है, एम से आती है मीगेस्ट्रोल, ठीक है, MEGESTROL, मीगेस्ट्रोल, ठीक है। फिर हमारे पास एंटी प्रोजेस्टीन्स हैं, जिसमें हमारे पास है माइफ्रिस्टोन और यूलिप्रिस्टल, ठीक है, यूलिखिन, यूलिप्रिस्टल, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई इनके नाम की, ठीक है। तो नामों में याद रखें कि इसमें दो दो जेस्ट्रिल्स हैं, इटोनोजेस्ट्रिल और लिवोनोर जेस्ट्रिल, ठीक है। उसके बाद एक है मॉप, मेड्रोऑक्सी प्रोजेस्टेरोन, MOP, मॉप याद रखें, ठीक है। और फिर एक है सिर्फ एम मेजेस्ट्रिया, मेजेस्ट्रोल, ठीक है। और फिर एक है नॉर एथिंड्रोन, एथिंड्रोन से है, ठीक है। अच्छा, अब ये ड्रग्स जो हैं प्रोजेस्टीन्स क्या करते हैं, प्रोजेस्टीन्स जाते हैं बाइंड करते हैं किसके साथ, प्रोजेस्टिरोन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। और डिक्रीज करते हैं ग्रोथ, किसकी ग्रोथ, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को ये डिक्रीज करते हैं, और एंडोमेट्रियम की जो वेस्कुलराइजेशन है ना, वो उसको बढ़ाते हैं ये, और सर्वाइकल म्यूकोजा जो है उसको मोटा कर देते हैं, उसको थिकन कर देते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो है प्रोजेस्टीन्स का, इन प्रोजेस्टीन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। अब क्लिनिकल यूजेस की बात करें इन प्रोजेस्टीन्स की, मैं फ़िलहाल प्रोजेस्टीन्स की बात कर रहा हूँ, याद रखें मैं एंटी प्रोजेस्टीन्स के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो सबसे पहले कंट्रासेप्शन के लिए ये यूज़ होते हैं, और इस मकसद के लिए हम पेशेंट को पिल भी दे सकते हैं, गोलियों की फॉर्म में भी दे सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस भी लगा सकते हैं, इम्प्लांट भी लगा सकते हैं, और डिपो फॉर्म में भी हम पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। और फिर ये इनका यूज़ होता है एंडोमेट्रियल कैंसर की ट्रीटमेंट में भी, ठीक है, और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की कॉजेज में भी हम प्रोजेस्टीन्स यूज़ करते, कंडीशंस में भी हम प्रोजेस्टीन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है प्रोजेस्टीन चैलेंज, प्रोजेस्टीन चैलेंज में भी हम ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। प्रोजेस्टीन चैलेंज किसी भी मरीज़ को हम क्यों देते हैं, इसलिए कि देखें अगर किसी पेशेंट को कोई एनाटोमिकल डिफेक्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे यूट्रस में उसके एडहियंस हो गई हैं, ठीक है, एडहियंस होती हैं एशर में, जैसे एशरमैन सिंड्रोम आपने सुना होगा, एशरमैन सिंड्रोम में हम क्या देते हैं, प्रोजेस्टीन चैलेंज देते हैं। अगर प्रोजेस्टीन के साथ उसकी ब्लीडिंग जो है वो बंद हुई है, ठीक है ना, तो इससे हमें पता चलता है कि हम एक्सक्लूड करते हैं एनाटोमिकल डिफेक्ट्स लाइक एशरमैन सिंड्रोम, ठीक है, एनाटोमिकल डिफेक्ट्स को हम एक्सक्लूड करते हैं। अगर प्रोजेस्टीन चैलेंज के साथ विड्रॉल ऑफ ब्लीडिंग है तो इसका मतलब है उस पेशेंट को एशरमैन सिंड्रोम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है क्रोनिक एंड ओव्यूलेशन में भी हम प्रोजेस्टीन्स देते हैं पेशेंट को अलॉन्ग विद एस्ट्रोजन, ठीक है। अब जो एंटी प्रोजेस्टीन्स हैं, इनमें दो चीज़ें हैं, माइफ्रिस्टोन है इसमें और यूलिप्रिस्टाल है, ठीक है ना। तो ये दोनों ड्रग्स आपने याद रखनी है। ये क्या है, ये कंपेटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ प्रोजेस्टीन्स हैं, क्या है, कंपेटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ प्रोजेस्टिरोन, प्रोजेस्टिरोन है ये दोनों, माइफ्रिस्टोन और यूलिप्रिस्टल, ठीक है ना। कहाँ पे ये एक्ट करते हैं, प्रोजेस्टिरोन रिसेप्टर्स पे जाके ये कंपेटिटिव इनहिबिशन एंटेगोनिज्म करते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसका क्लिनिकल यूज अब माइफ्रिस्टोन और यूलिप्रिस्टाल का क्लिनिकल यूज़ कहाँ है? इनका क्लिनिकल यूज़ भी कंट्रासेप्शन में है, ठीक है? कंट्रासेप्शन में हम देते हैं इन ये पेशेंट्स को। और इसके अलावा यानी कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हम क्या देते हैं, स्पेशली माइफ्रिस्टोन देते हैं, किसके साथ मिला के? मीजोप्रोस्टोल के साथ, MM माइफ्रिस्टोन, ये वाली ड्रग को हम मीजोप्रोस्टोल के साथ मिला के देते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। और इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव सीसी पिल के लिए हम क्या देते हैं? यूलिप्रिस्टोल, यूलिहीन इसका अर्थ, हम इसको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल के तौर पे देते हैं यूलिप्रिस्टाल, ठीक है? यूलिप्रिस्टाल, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है? कंट्रासेप्शन, उसके फिर दो तरह की ड्रग्स, प्रोजेस्टीन और एंटी प्रोजेस्टीन्स, ठीक है? और प्रोजेस्टीन्स जो हैं ये बाइंड करते हैं प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स के साथ। एंटी प्रोजेस्टीन्स आर कंपेटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स।